Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजेनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आए हैं हमारे एक सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने के लिए। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, बेसिकली मुझे मालूम है बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत पहले भी पूछा है मुझसे, तो मैं सोचा कि आज मैं आके आप लोग को इसके जो है जवाब दे दूँ। स्पेशली क्योंकि मैं एक एक टॉपिक क्यों निकालता हूँ ऐसे जो है और वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो प्रेशर के उनका सेम क्वेश्चन रहता है, तो मैं वेट करता हूँ एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन निकाल के मैं सबके हिसाब से मैं देता हूँ। लेकिन अभी जो है मैं रिजवान अली बोल के हमारे एक सब्सक्राइबर है, मैं आपको दिखाता हूँ, उनका क्वेश्चन ये है। डियर सर, आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे दो क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आंसर ज़रूर देना। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, ऑडियो एडिटिंग के लिए FL स्टूडियो से चीप प्राइस में क्या कोई और अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है? तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी ये आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे स्क्रीन पे जो है आप देख सकते हो, ऑडासिटी बोल के जो है एक सॉफ्टवेयर है, जो इधर उसका वेबसाइट लिंक भी आप देख सकते हो, और ये फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, मिक्सिंग भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ अगर आपको हाई मिक्सिंग मास्टरिंग करना है वो इसमें नहीं कर सकते, लेकिन आपको फ़िलहाल एडिटिंग करने के लिए या काम करने के लिए, EQ करने के लिए, कंप्रेसर करने के लिए, सब ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम भी अभी भी यूज़ करते हैं, कभी कभी जल्दी काम के लिए हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो ये एक हो गया आपका जो हेल्प करेगा, तो आप ये डाउनलोड करके आप इसमें काम कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है रिजवान अली साहब के, एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्लासिकल सिंगिंग सीखना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो कितना सीखें? प्लीज़ सर आंसर ज़रूर देना। अभी देखिए दोस्तों, अच्छा सिंगर बनने के लिए क्लासिकल म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है या नहीं? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि आपको जो आवाज़ जो आती है वो नेचुरल है, मतलब जो आवाज़ का जो मिठास कभी कभी जो लोगों को होता है, अच्छा सिंगर बनने के लिए नहीं होता, वो जो नेचुरल चीज़ होता है, वो जो सबको नहीं मिलता। बहुत लोगों को बहुत ही मीठा आवाज़ होता है, और वो हम लोग बोलते हैं कि बाय लक, या बोल सकते हैं कि ऊपर वाले ने दे दिया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिसका आवाज़ अच्छा नहीं है या उसे गाना नहीं आता हो वो गा नहीं सकता। गाना कोई भी गा सकता है, कोई भी सीख सकता है। आवाज़ अलग होता है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज अलग होता है, जैसे बांसुरी का आवाज़ अलग हो गया, गिटार का आवाज़ अलग हो गया, तबला का आवाज़ अलग हो गया, तो ये सब एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। सेम हम भी उसी एक कैटेगरी में आते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल कैटेगरी में हमारा आवाज़ भी आता है। बहुत लोग शायद इसमें हंसेंगे, लेकिन आज के दिन में भी अगर आप कोई भी कीबोर्ड ले लो, कीबोर्ड में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं, मुझे मालूम नहीं, शायद बहुत सारे कीबोर्ड प्लेयर होंगे इधर जो हमारे चैनल में सब्सक्राइब्ड है, आप उनसे भी पूछ सकते हो जो कीबोर्ड प्लेयर्स है। उसमें हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट वॉइस, उसमें सेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट बोल के नहीं आता है, उसमें सेलेक्ट वॉइस बोल के आता है। अब वो सेलेक्ट वॉइस क्यों आ रहा है जब इंस्ट्रूमेंट ड्रम्स है, इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोलते हैं वो ड्रम्स है, कीबोर्ड है, गिटार है, यू नो सिंथेसाइजर है, सब कुछ है, लेकिन उसमें सेलेक्ट वॉइस बोलते हैं क्यों? सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे इस दुनिया में है वो है हमारा वॉइस, इधर से हमने शुरू किया। तो हर इंसान का जो है आवाज़ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, तो सबसे अच्छा सिंगर, सबसे अच्छा आवाज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मैंने भी अभी बोला आपको कि उसको तो वो तो बहुत लकी है, उसको पैदाइशी सरस्वती माँ ने उसको आवाज़ दे दिया, सरस्वती माँ उसके मुंह पे है, उसके ज़बान पे है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाना नहीं गा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सीख के आप अच्छे सिंगर बन सकते हो। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक सीख लिया तो अच्छे सिंगर बन सकते हो, हाँ अगर आपने क्लासिकल म्यूज़िक सीख लिया या उसके तौर तरीके सीखे, आपको एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है और तौर तरीके आपके जो गाने के हैं वो और अच्छा हो जाता है। लेकिन ये भी आप कैसे उसको आप समझ रहे, सुन के और समझ के, तो आप एक्चुअली अभी भी सीख रहे हो गाना गाने के लिए, बचपन से लेके आज तक आप सीख के ही आ रहे हो,
समझ गया। मैं थोड़ा ये डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग बोर हो जाएंगे मैं जो समझा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कॉमन सेंस की बात है जो बहुत लोग समझते नहीं है कि यार मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सीखने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। ज़रूर होगा आपको फ़ायदा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जो सीखेंगे एक गुरु से सीखेंगे और वो जो गुरु है ऑलरेडी उनका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो आपको दे रहे हैं, वो समझ गया, जो एक्सपीरियंस उनके पास था वो आपको दे रहे हैं और आप उसको आगे लेके जाएंगे और आप किसी और को देंगे आगे जाके। तो अभी आपका आवाज़ क्या है कैसा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखेंगे या गाने का स्टाइल सीखेंगे, हिंदुस्तानी म्यूज़िक सीखेंगे समझे, या आप क्या बोलते हैं सूफ़ी म्यूज़िक सीखेंगे, कुछ भी कैसे भी जो भी गुरु से आप सीख रहे हो वो तौर तरीके आप सीखेंगे, समझ गए। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजेस कैसे करना है, गले का एक्सरसाइज होता है, खाना जो होता है बहुत कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, फ्राइड आइटम्स नहीं खाना चाहिए, अगर आपको अपना आवाज़ सही रखना है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ऐसे बहुत कुछ चीज़ है। अभी मैं तो सिंगर नहीं बनना चाहता इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ, तो आप मत पीजिएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ देखिए बहुत कुछ चीज़ें जो आप ये गुरु से ही सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली। और आप ये मत बोलिए आरिफ साहब कि आपको यूट्यूब सिंगर बनना है, सिंगर बनना है, अगर आपका मन में है कि आपको सिंगर बनना है तो ज़रूर हर दिन रियाज कीजिए, सुबह सुबह उठ के रियाज कीजिए, ये नहीं कि दोपहर को उठा हा कर लिया, नहीं, एक टाइम होता है वो टाइम उसके लिए रखिए, सुबह सुबह उठिए 4 बजे 5 बजे उठिए, बाहर जाइए ठंडा हवा में, अभी तो जा नहीं सकता, अभी तो COVID-19 चल रहा है भाई, बाहर मत निकलना, बालकनी में जाइए और गाना गाइए, प्रणाम कीजिए जो भी गुरुजी है आपका, जहाँ से भी आप सीख रहे हो, छोटे से छोटा या जो भी है, कहाँ से भी है, कहीं से भी आप सीखिए, उनसे सीखिए, उनका प्रणाम, उनका आशीर्वाद लीजिए और शुरू कीजिए। जितना हम नॉलेज हम लोग जितना भी एक्सपीरियंस लोग से लेते हैं वो बहुत ही आपको फ़ायदा देगा। तो ये मत सोचिएगा कि यार मैं नहीं कर सकता, कर सकते आप, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी क्या, हर दिन, यानी कि एक दिन छोड़ दिया या आज सुबह का था आज दोपहर को कर लेंगे यार या शाम को कर लेंगे, नहीं, एक उसका टाइम टेबल रखो आप, मुझे अगर सिंगर बनना है तो सुबह उठ के मुझे रियाज करना है 1 घंटा, हर दिन आप रियाज करो, आप 3 महीने के बाद आपका फ़र्क देख रहे हो, तो 1 महीने के बाद आपका फ़र्क देखो उस गाने में, आपके दोस्त लोग खुद बोलेंगे, आपके घर वाले खुद बोलेंगे, आपके पड़ोसी लोग खुद बोलेंगे यार रियाज कर रहे हो तुम आजकल, यार लग रहा है तुम कहीं से सीख रहे हो क्या। लेकिन अपना रियाज के ऊपर होता सब कुछ, एक्सपीरियंस तभी बढ़ता है, क्योंकि हम अपना गलती हमें पहचानना चाहिए, समझ गया। और आपका क्या गलती है अभी तो आपका गुरुजी बता सकते हैं, आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप जब गाओगे मे बी या सुनोगे सुर मिल रहा है या नहीं, या आपको अभी शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जब हर दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा। तो ज़रूर रिजवान साहब आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ यूट्यूब सिंगर बनने के लिए नहीं, सिंगर बनने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको गुरुजी मिल रहा है क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए जाइए ज़रूर सीखिए। तो शायद दोस्तों शायद बहुत लोग को ये हेल्प किया रहेगा जो मैंने बताया, अगर बोर हो गया या अगर मेरे से कुछ गलती हो गई इस चीज़ में बताने के लिए या मैं गलत हूँ इस चीज़ों में तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ रियाज करेंगे, कुछ भी, अगर आपको पढ़ना हो म्यूज़िक प्रोडक्शन या आपको रियाज करना हो एज अ सिंगर, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन हर दिन 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, नहीं तो कुछ नहीं बन पाएंगे, आलसीपन निकाल दो। इतना बोल के मैं रोकता हूँ, धन्यवाद और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।